दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा। जिला ऊना में कोरोना ने अप्रैल माह के 15 दिनों में ही कोविड पॉजिटिव और संक्रमण से मौतों के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिला में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई तरह की बंदिशें भी लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीसी ऊना राघव शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव और मौतों के आंकड़े पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से प्रशासन के निर्देशों के पालन करने की अपील की है। वहीं डीसी ऊना ने जिला में स्ट्रेन के प्रवेश की आशंका जताते हुए कुछ सैंपल को जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजने का खुलासा किया है। साथ ही हाई लोडेड राज्य से आने वाले लोगों को होटल धर्मशाला या सराय में रुकने पर भी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिस तरह के सरकार की नई गाइडलाइंस आई है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आने की, तो उसको किस तरह से क्रियान्वित जो है वो किया जाएगा? क्या चिंतपूर्णी मंदिर के लिए भी ये रिपोर्ट लाना जो है अनिवार्य होगा? जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की 7 राज्यों से जहां हाई कोविड लोड है, वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं हिमाचल में जो स्टे कर रहे हैं उन पे लागू हो रही है, और जहां पे भी वो रुकेंगे उनको जो होटल्स या धर्मशालाएं जहां वो रुक रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करें कि उन्हीं लोगों को कमरा दें जो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ। जो एक दिन में यहां से दर्शन करके या कुछ और बिजनेस या और अदर वर्क के लिए ट्रिप के लिए आ रहे हैं उन पे अभी ये एडवाइजरी लागू नहीं है। सर, जिस तरह से डेथ अधिक हुई है तो क्या ऐसे में ऐसा भी लग रहा है कि जो दूसरा स्ट्रेन है वो भी कहीं ना कहीं जिला में एंटर हुआ है और उसकी जाँच के लिए प्रशासन द्वारा क्या? हमने कुछ सैंपल्स जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज के माध्यम से एनआईवी पुणे भेजे हैं। अभी उनके रिजल्ट जो हैं वो अवेटेड हैं कि ये स्ट्रेन कौन सा है, पर जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पड़ोसी जिले पंजाब में कुछ स्ट्रेन्स पाए गए हैं और ये बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ भी संभावना है कि जो नए स्ट्रेन्स हैं वो पॉपुलेशन में मौजूद हो सकते हैं। तो अभी सभी से अपील है कि इस तरह की गैदरिंग्स ना तो ऑर्गेनाइज़ करें और ना अगर कहीं हो रही हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर इस तरह की गैदरिंग हो रही है तो तुरंत रिपोर्ट करें, उनको बंद किया जाए। साथ में डेथ का आंकड़ा अगर प्रिवेंट करना है हमें तो जिनको भी लक्षण हैं वो अपने लक्षणों को छुपाएं नहीं। कोरोना जो है उसके ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब काफ़ी गियर्ड अप हैं इस डिज़ीज़ से डील करने के लिए, और आप तुरंत अपना टेस्ट कराएं जिससे कि आप कोविड का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर पाएं। छुपाने से आपके फेफड़ों पे जो है कोरोना पहुंच सकता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के बाद डॉक्टर्स के लिए बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि इस बीमारी का इलाज करवाएं, इसको टेस्ट करवा के जाने और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इससे बचाएं। जिला ऊना में अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो दिन ब दिन स्थिति जो है वो ख़राब होती चली गई है पिछले 1.5 महीने में, और नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा हो गए हैं, साथ में डेथ का आंकड़ा भी ज़्यादा देखा गया है। इनके कारणों का विश्लेषण करें तो ये पाया जा रहा है कि एक तो बड़ी जो गैदरिंग्स हो रही हैं उसके कारण भी कोरोना के क्लस्टर्स जो हैं वो ज़िले में बने हैं, और जो लोग अपने लक्षण छुपा रहे हैं, टाइम पे टेस्ट नहीं करा रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उसके कारण डिले होने के कारण उनके ऑक्सीजन स्तर में एकदम से गिरावट होने पर डेथ भी हुई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इवन 40 और 50 के जो एज ग्रुप है उसमें भी डेथ होना शुरू हुई है, और जिनको कोई और बीमारी नहीं है उनकी भी कई लोगों की डेथ हुई है। तो ये बड़ी एक चिंताजनक स्थिति है। इसको देखते हुए हमने जो है वो सभी तरह की गैदरिंग्स पे पूर्णतः अभी प्रतिबंध लगा रखा है। सिर्फ विवाह और दाह संस्कार जो भी 50 व्यक्तियों के साथ, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, 50 व्यक्ति से ज़्यादा जो है किसी इस तरह के समारोह में शामिल नहीं होने चाहिए, और अगर वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं तो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से प्लस टू कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं।
एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें